टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तालियां जी हारून के लिए। हारून थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, लेकिन आपको देख के मुझसे रहा नहीं जाता। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मैं भी आपके लिए डांस करूँ। बजाएं जी गाना दोबारा से जरा। हाँ थैंक यू हारून, थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे साथ आप रहिएगा, आगे भी आपको हम बुलाएंगे, आप दोबारा से परफॉर्मेंस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जब बात होती है मजे की, बात होती है मेरे फैटर हाफ की, मेरे फनियर हाफ की, बहुत सारी मसनूई तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर आदि अदील हम जो ईद मुबारक। कैसे हैं बाजी भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत खुश हूँ। ईद आ गई है और बहुत मजा आ रहा है। और बच्चों की ईदियाँ चोरी की हैं मैंने थोड़ी सी। बच्चों की ईदियाँ चोरी की है? मुझे कोई दे नहीं रहा था, बच्चे मासूम थे, मैंने उनको चिड़िया दिखाई। यार ये बहुत बुरी बात है भाई। हमारे हमारे बैंड को भी ईद मुबारक, बहुत बहुत। कराची बॉयज हमारे साथ मौजूद है, अपने लिए खुद तालियां बजाएंगे। वेरी गुड।
कैसे कैसी चल रही है दादी भाई? ईद बहुत अच्छी चल रही है यार, ठीक है। बहुत खुशी होती है ईद जब भी आए जैसे भी आए, बहुत मजा आता है। और मैं तो उसको जितना ज्यादा सेलिब्रेट कर सकता हूँ ज्यादा सेलिब्रेट करता हूँ। आप बताइए, बहुत अच्छी चल रही है। मुझे पता है आप लोग ईद ठीक ठाक चल रही है, मजे में सब जबरदस्त। तुम्हारा ये हमारे गिटार वाले भाई का यासिर भाई, यासिर भाई का जो गला फटा हुआ है, क्या खैरियत? नहीं नहीं फटा हुआ नहीं, उन्होंने स्टाइल है उनका। अच्छा स्टाइल है? यस सर, खोल के रखा हुआ है। चलो जाओ। अच्छा मुझे एक बताओ, कौन सा एलिमेंट है इसके बगैर ईद कंप्लीट नहीं होती? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट है ना? अरे मैं ईद की बात कर रहा हूँ। ईद में ऐसी कौन सी चीज है जिसके जो ना हो तो ईद कंप्लीट नहीं होती, मैं ये पूछ रहा हूँ। ईदी। ओके, मुझे मुझे ऐसा लगता है ईदी देना, ईदी लेना, ये सारा जो प्रोसेस है इसके बगैर ईद जो है ना बिल्कुल अधूरी लगती है। बहुत ज्यादा अधूरी लगती है। मुझे ऐसा लगता है अपनों से जो मिलना है ना, हाँ, वो अगर ना हो तो आपको लगता है कि ईद नहीं होती है, क्योंकि पिछले साल मुझे याद पड़ता है कोविड की वजह से उस तरह से ईद सेलिब्रेट नहीं हो सकी थी। बिल्कुल, सबको SOPs फॉलो कर रहे थे, उस वक्त हमें इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि कोविड में किस तरह से बिहेव करना है, तो ईद फौरन आ गई थी तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता था। और पिछली बार तो मजा आया था कि ईद से पहले चांद रात पे जो है वो लॉकडाउन खुल गया था, आवाम पागल हो गई थी, दुकानों पे रश लग गया था, देखा था यार? वही मजे का था वो। मैंने वही जिक्र किया ना, अभी हम एग्जैक्टली उस वक्त पता नहीं था। हाँ, एक अभी साल भी पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो अब अपनों से नहीं मुलाकात हुई तो लगा जैसे ईद कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन अब हो गई है। हाँ, अब हो गई है। और मेरे ख्याल से क्योंकि वैक्सीन भी आ गई है, लोगों ने वैक्सीन लगाना शुरू कर दी है, दुनिया के हालात स्लोली स्लोली लेकिन बेहतर हो रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर ऐसी रहा तो सब बेहतर हो जाएगा, कोरोना से जान छूट जाएगी। बिल्कुल जान छूट जाएगी जी। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, वापस आइए। जैसे मैंने आपसे कहा कि अपनों के बगैर ईद कंप्लीट नहीं होती, तो आज हमने बहुत सारे अपनों को बुलाया और हमारी कोशिश होगी जिस तरह से आप लोग घर पे ईद सेलिब्रेट करते हैं इसी तरह आज रात हमारे साथ भी ईद सेलिब्रेट कीजिए। आप देख रहे हैं मजेदार ईद विद आदि एंड पैसा। आप देख रहे हैं मजेदार ईद विद आदि एंड फैजान। और जाने से पहले मैंने आपसे कहा था जब तक अपने ना हो तो ईद कंप्लीट नहीं होती। बिल्कुल, तो मैंने ये सोचा कि आज हमारे शो में हम अपनों को बुला लें। वैसे अपनों से मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे अपने मुझे बहुत जलील करते हैं। हमारी हरकतें ऐसी है ना, उनको पता है तुम्हारे बारे में। हाँ, तो अभी पता लग जाएगा। लेकिन मैंने बुला लिया भाई। क्यों बुला लिया यार? आपका मसला है, तुम चाह रहे हो कि ऑन एयर हो मेरे साथ। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए ताकि तुम सीधे हो जाओ भाई। हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं, हमारी जितनी भी ओकेजंस होते हैं, इनके बगैर इनकम्प्लीट होते हैं, बल्कि हमारे जो करियर्स हैं वो इनके बगैर इनकम्प्लीट हैं। इनका होना यहाँ जरूरी था। ईद की सेलिब्रेशन हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो, वो इनके बगैर इनकम्प्लीट होती है। आपके बहुत पसंदीदा या तक हमारे शो पे आ चुके हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं इनको रोज बुलाएं, ये पता नहीं क्या सीन है। आपकी भरपूर तालियों में फैसल कुरैशी। ईद मुबारक भाई। बहुत सारी तालियां 16 साल के फैसल कुरैशी के लिए। कैसा रिवर्स गियर यार, बस थोड़ी सी मेहनत चल रही है। आपको एजाज असलम हो गया? ऐसा ना हो थोड़े दिन बाद भाभी आपको स्कूल में एडमिशन दिला दे। फरमान के साथ ही जा रहा हूं। फरमान के साथ। हाँ। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आए और आपका बेटर हाफ ना आए? बहुत सारी तालियां जी सना पापे। अच्छा आदि भाई परेशान थे कि अपनों को ना बुलाओ, सारी बातें खुल जाएंगी। और मेरी नहीं, मैं कंट्रोल करूंगा जितना हो सकता है। कम से कम खोलेगा बात। ईद का दिन है ना, मैं नहीं चाहता जितना हो सकता है। हाँ, आप नहीं चाहते पूरा नहीं होगा। अच्छा चलो, आप जहाँ बैठे, वैसे तो आपको यहाँ बैठना चाहिए। क्यों? हम यहाँ बैठेंगे ना, तुम दोनों वहाँ बैठो। असल में वहाँ आपको इसलिए बिठा रहे हैं, वो वाला सोफा जरा कंफर्टेबल नहीं है ना। देखो तुम खुद शुरू कर रहे हो। देख लो फिर, देख लो, देख लो, कोई बदतमीजी नहीं होगी। आप बैठे, आप बैठे। अच्छा जी, हमारी जो अगली गेस्ट है बहुत ही जबरदस्त होस्ट है, उसके साथ साथ जब वो एक्टिंग करती है तो लोगों को हैरान कर देती है। देखने में तो बहुत फ्रेंडली है, लेकिन सर नेम उनका जंग है तो हमें भी थोड़ा डर लग रहा है। बहुत सारी तालियां फॉर सनम जंग। कोई काम साथ में नहीं छोड़ा है, फिल्म भी कर डाली है, डर लग रहा है आदि भाई हमारे काम में क्या होगा। नहीं नहीं खैर है, उसकी भी शादी नहीं हुई, मेरी भी नहीं हुई, तो खैर है। अच्छा बहुत सारी तालियां फॉर दीदार।
ईद मुबारक। दीनू भाई आप यहाँ आइए। दीनू भाई खेल लें जल्दी से। जी जी जी, कैसे हैं तमाम लोग ये बताइए। इवन फिट फाट करम बड़ा। आप तो कुछ ज्यादा ही फिट फाट है भाई, क्या सीन है माशाल्लाह से। है ना, मैंने कहा ना रिवर्स गियर भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या क्या कर रही है माशाल्लाह। आप ये ऐसा क्या किए इनके साथ? मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, उन्होंने ये मेरा साथ दे रहे हैं। ओह, जो ये कहते हैं ना प्रेगनेंसी में मैं मोटी हो रही थी, भी मोटे हो गए। और उसके बाद फिर हम दोनों ने रियलाइज किया कि हम दोनों बहुत मोटे हो गए हैं और हम फैलते जा रहे हैं। एक दिन कॉल आई मुझे बड़ी लंबी चौड़ी और कह रहा क्या हो गया है यार। मैंने तस्वीर देखी, मैंने तस्वीर देखी, मैंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा हैवी लग रहे हैं मुझे। तो मैंने कॉल की, डरते डरते मैंने कहा फैसला ज्यादा वेट हो गया, क्या कर रहे हैं आप? वो लॉकडाउन के दिन चल रहे थे, शूट ही नहीं। एग्जैक्टली, तो घर पे खाने पकाए जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ, पकाए जा रहा हूँ, खिलाया जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ। हलवा भी पकना है तो खुद पका रहा हूँ और खा रहा हूँ। खुद खा रहा हूँ, बहुत खाया था, बहुत खाया था। लेकिन माशाल्लाह जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिलियंट माशाल्लाह। थैंक यू। और डीनो भाई आपने भी कुछ शर्म नहीं आई तुझे पर? हाँ, जरा भी नहीं आई, जरा भी नहीं आई यार। क्या हो गया, इन्होंने कितना लूज किया है? मैंने सिर्फ कैरेक्टर लूज किया बस, कैरेक्टर लूज किया, जरा भी वेट लूज नहीं किया। मैं बता रहा हूं, रिमेंबर लास्ट टाइम मेरे शो पे आदि था, दादी थी आदि में, बिल्कुल बिल्कुल दादी आदि थी, बिल्कुल बहुत लूज किया है। देखा, वो मसला हल हो गया ना। तो लेकिन अभी इस शो में से मेरा क्लोज बनाइए क्योंकि मैं सिर्फ दलील होने वाला हूं। सब क्लोज बनाइए मेरा। अच्छा जी, सब वन बाय वन मुझे बताएंगे कि रमजान कैसा रहा। सबसे नया सवाल ये हमारे कैसा पास। तूने मेरी घड़ी पहनी नहीं, आपकी घड़ी कहाँ है? चलो भाई, चोरी भी पकड़ी गई हमारी। खैर, ऐसी प्रेटेंड करेंगे। हाँ जी, रमजान कैसा गुजरा? अल्लाह का शुक्र है, बिजी बिजी हर आप तो माशाल्लाह शो भी कर रहे हैं, शूटिंग भी कर रहे हैं, हर रोज शो होता है। हाँ, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप ये सब कुछ? कैसे हो जाता है यार बस। बट स्टिल आपने देखा, मोहब्बत हमारे कहने पे फौरन ईद वाले दिन टाइम निकाल के, ये बहुत, ये देखिए इसलिए मैंने कहा अपनों को जमा करना जरूरी होता है। भाभी आप बताएं, रमजान कैसा गुजरता है आपका? मेरा बहुत बहुत बिजी, बहुत बिजी। हाँ, क्योंकि फरमान के साथ मेरा अब जरा प्रॉपर है, क्योंकि थोड़ा सा टॉडलर एज में है और उसको देखना, और फिर साथ में फैसल की, क्योंकि 3 दिन शो था, अब पूरे रमजान में पूरा बोल सना के 3 बच्चे संभालती है। हाँ, एग्जैक्टली, आई कैन रिलेट। तीसरा बच्चा कौन? ये सबसे पहला है, फिर आया था, बाल पोस के बड़ा किया है। हाँ, अच्छा है, प्यार है। हाँ जी, रमजान कैसा गुजरा आपका? मेरा रमजान बहुत अच्छा गुजरा, बिकॉज मैं रमजान में अपनी अम्मी के घर शिफ्ट हो जाती हूँ, अपनी सारी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके कंधों पे डालती हूँ। क्या बात है, तो ये मुआहिदा आपने कब साइन किया कि मैं रमजान में अम्मी के घर गुजारूंगी? ये हमेशा से, हमेशा से रमजान गर्मियों में आ रहा है, क्योंकि मेरे शोहर इधर है नहीं ना, वो मुल्क से बाहर है, तो मैं क्या करूँ अकेले। रमजान सैरी पे मजा आता है ना, जब लोगों के साथ होते हैं इफ्तारी पे, तो इसलिए मैं शिफ्ट हो जाती हूँ। बिल्कुल A1 फिट फाट, इट वॉज वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि मेरे लिए रमजान ये होता है कि मुझे अपनी पसंदीदा चीजें खाने का मौका मिलता है। बिल्कुल ठीक है, जैसे फ्रेस्को के दही बड़े, इस तरह की चीजें, यू नो, मतलब हो गई तो मतलब जलेबियां। डायरेक्ट भाई ने मेन्यू दे दिया हमें। हां, फ्रेस्को के दही बड़े। मैं फूडी आदमी हूं भाई, मुझे तो, मैं तो सबसे पहले चीज देखता हूं कि फूड का। एक आदमी का इंस्टाग्राम रोजाना एक नई जगह की खाना की तस्वीर लगी होती है, मतलब यार मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं आपको रिकमेंडेशंस दे सकता हूं। हां बिल्कुल, आई एम श्योर। तो रमजान में क्या क्या आपने ट्राई किया, क्या क्या पसंद आया आपको, कुछ खास नया ट्राई किया हुआ? कुछ खास एक्चुअली नहीं ट्राई किया, मैं बड़ा उस मामले में ट्रेडिशनल हूं यार। अच्छी बिरयानी कहां मिलेगी आज? मैं आपको अपने पेट में से निकाल के देगा आपको। एक्चुअली मैं दो ऑप्शंस दे सकता हूं बिरयानी के। वाकई बताइए बताइए। ओके, नसीब की बिरयानी आप ट्राई करें, आई थिंक महमूदाबाद आपके नसीब में जो होगी वहां पे चिकन बिरयानी मिलती है, बहुत कमाल है। और अगर आपने बीफ बिरयानी खानी है तो आप अल्लाह वाली बिरयानी, अल्लाह वाली बिरयानी यार, आपको एक डब्बे में मिलेगी, व्हाइट डब्बे, अल्लाह वाली बिरयानी करीब मिलती है बस। अच्छा, यस यस, पैसे वाले यूं करके लेकर जाते हैं, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया आपका वेट लॉस, डिस्कस किया एक दिन तो यार आज वैसे कितने आपने रमजान में कितनी चीटिंग की और कितनी लग नहीं रहा बिल्कुल देखे आपने चीटिंग की होगी? रमजान में कोई चीटिंग नहीं, ईद वाले दिन। हाँ। ईद वाले दिन अलाउड। मैंने रमजान से कोई 1 वीक पहले चीट मारा था, ठीक है ठीक है, और अब ईद वाले दिन। तो जब आप चीट करते तो भाभी डांटती नहीं आपको कि नहीं? मेरा वो खाने वाले चीट की बात हो रही है। खाने वाले चीट हम तुम्हारे जैसे नहीं है, जो कहता वही होता है भाई। मैं सिंगल हूँ, मुझे जरा नहीं पता तुझसे किसने कहा सिंगल है, आता तू डबल बेड पे। मैंने कहा ना सिर्फ मेरा क्लोज बनाइए। अच्छा, मेरा एक सवाल है, नॉर्मल लोग जो होते हैं, मतलब हमारे मेरी तरफ क्यों देखा ऐसे कि जैसे मैंने, तुमने ऐसा फील करा कि जैसे हम नॉर्मल है? नहीं, नॉर्मल लोग जिस तरह होते हैं, अगर हम नॉर्मल होते तो इस फील्ड में ना होते। हाय, गहरी बात की आपने फैसल भाई, गहरी बात। आपको किताब लिखनी चाहिए यार, मैं सोच रहा हूँ। नहीं, अच्छा मेरा ये है
कि आप लोग जिस तरह नॉर्मल लोग के घर तो ये होता है ना कि वो ईद पे उठते हैं, तैयार होते हैं, उसके बाद फिर मेहमान आना शुरू हो जाते हैं लाइन से। मुझे ऐसा हम लोग क्या सुबह उठ के कुत्ते नहलाते हैं पहले? नहीं, कुत्ता कब आपने लाना शुरू कर दिया आपने? हाँ, बड़ा टाइम हो गया लास्ट, ये तो सही है। हाँ, धुलवाया था लास्ट मुझे। नहीं तो मेरा ये है कि आप लोग के घर मेहमान आते हैं या आप लोग जाते हो? डिपेंड करता है। अच्छा, हाँ। आप लोगों को नहीं लगता कि खानदान में वो होता होगा यार अब ये तो स्टार है, अब इसके घर जाके क्या करना, ये तो बिजी है, खुद ही आ जाएगा? नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, इजी है। हाँ। आप लोग का हाँ खानदान वाले इतनी इज्जत कहाँ देते हैं, उनको तो लगता है मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल, मुझे तो रस्तों में डांट, मॉल्स में डांट पड़ती है, मैं प्लीज लो मुझे आप एसएमएस कर दें, डांट एसएमएस कर दें, तुम कहोगी इतनी। और जब आप मना करो ना बुगु के, और डांट पड़ती है, और लाउड भी होता है। हम डरते थोड़ी हैं इनसे। मैं तो अक्सर सना को ये कहता हूँ, बाहर अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। यही होता है कि आपने आना है और जाना है, कोई वो नहीं है स्टारडम या कोई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और वैसे क्योंकि मेरे हम आठ बहन भाई हैं, फोर ब्रदर्स फोर सिस्टर्स, तो सब अपने अपने घरों में, तो उनके घरों में भी जाना है सबसे मिलने, वो आप वो एक बड़ा आना जाना बहुत थ्रू आउट लगा रहता है। गुड जी, आपने हमने पता किया इन लोगों से कि ईद पे ये लोग क्या क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। वक्त हुआ जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए। आप देख रहे हैं मजेदार ईद विद आदि एंड फैजान। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं मजेदार ईद विद आदि एंड फैजान, और दो जबरदस्त गेस्ट ने हमें और ज्वाइन किया जो कि हमारे ही शो से हमें मिले हैं, बहुत जबरदस्त टैलेंट है जी। सबसे पहले वेलकम करते हैं आयशा इजलाल को। आयशा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, बहुत ईद मुबारक। और इनके साथ साथ मौजूद हैं अरसलान शेख। अरसलान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक है, आप सुनाए खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ईद कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी जा रही है सर। बहुत अच्छी जा रही है, वेरी गुड। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि पिछले सालों से लेके अभी लास्ट ईयर और इस साल पेंडेमिक ने कुछ ईद को, लाइफ स्टाइल को चेंज किया है, तो क्या पुरानी ईदों में और अभी वाली ईद में क्या फ़र्क है? खर्ची कम हुई है। हाँ, क्योंकि आउटिंग बंद हो गई है। आउटिंग बंद हो गई है, लेकिन हम लोग कपड़े फिर भी खरीद रहे हैं। लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी 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 अपनी। जब भी फजूल खर्ची की बात होती है, लड़कियां क्यों ट्रिगर हो जाती हैं? हाँ, वैसे अजीब सी बात थी मुझे, ये क्यों किया आपने? ये क्यों किया? खवातीन खवातीन अपने साथ अपने बच्चों की भी शॉपिंग करती है, क्या बात की है। और ये जाते हैं सिर्फ अपनी शॉपिंग कर कर आ जाते हैं। हमारी तरह थोड़ी इन लोगों का दिल होता है। और शॉपिंग के हवाले से मैं एक शॉपिंग के हवाले से मैं आपको एक साहब के बारे में बताऊं कि एक क्लोजेट में दो शर्टें एक जैसी टंगी हुई है। हाँ। अच्छा। एक दफा लेने गए, पहनना भूल गए, वही टंगी, दूसरी लेकर आ गए, यार अच्छी लग रही है, ये भी खरीद ली, दोबारा की वापस वही लेकर। एक जैसी शर्टें दो तीन, ये क्या है यार, वो मुझे याद ही नहीं रहा मेरे पास रखी हुई है। तो सही बात है, मतलब एज के साथ बंदे की मेमोरी थोड़ी सी कम हो जाती है। बेटा फैसल भाई माशाल्लाह अभी तक उनको हर ड्रामे की हर लाइन याद है, ये चीज अब ठीक है। मैंने नोट किया आप बहुत शार्प हो दोस्त। अच्छा लाया। ईद बड़ी एक टाइट निट फैमिली वाला माहौल है, तो वी ओनली गो टू सर्टेन प्लेसेस, तो हमारे इतना ज्यादा चेंज नहीं आया, लेकिन यस बाहर जाना अगर थर्ड डे या उस तरह करके बाहर जाना होना वो बंद हो गया। ठीक है, तो उतना जी। वेल ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगता है सोना 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 महंगा बहुत होता है। जब हम छोटे होते थे तो ऑब्वियसली अब्बू ड्राइव कर रहे होते थे, हम पीछे बैठे होते थे जब हम छोटे होते थे, अब हम छोटे नहीं है तो स्टॉप इट। नहीं नहीं, आपने बहुत क्यूट सी बात की, हम जब छोटे होते थे तो अब्बू आगे ड्राइव कर रहे थे, हम पीछे बैठे थे क्योंकि हम छोटे होते थे। वेरी नाइस। हाँ, तो वो हम लोग सब रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे, फिर हमें भी तो दिल चाहता था कि अब्बू हमें हमारी दोस्तों के घर पे लेके जाएं। तो अब्बू क्या करते थे कि लेके जाते थे और अपना कार्ड निकालते थे, घंटी बजाए बगैर कार्ड वहाँ डाल के वापस गाड़ी में बैठ के चले जाते थे। हमें इतना गुस्सा आता था कि ये तो कोई तरीका नहीं है, हम हर जगह गए तो हमारे भी दोस्तों क्या। बट खैर ये पुरानी बात, आई डोंट नो मैंने क्यों बोला पुरानी बात। मैं आपको बताऊं, आप ये कहानियों पे रीएनएक्टमेंट बन सकते हैं। अच्छी दुख दर्द वाली बात, सही है। अच्छा आप मुझे बताइए, आपके साथ ऐसा होता है
अब ईदी मिलती है या ईदी देती है आप किसी को? अरे ईदी मिलती होगी यार। ईदी मिलती है बट अब कम हो गई है, मतलब कम हो गई है, मतलब डॉलर बढ़ गया है, रेट बहुत गिर गया है थोड़ा। अब छोटे बच्चे मुझसे मांग रहे होते हैं ईदी, सो लाइक हमारे जमाने में व्हाट इज द मैक्सिमम ईदी यू? हां मैं पूछने वाला था, सबसे ज्यादा मैक्सिमम ईदी क्या मिली आपको अब तक? एक बंदे से। एक बंदे से? जी जी, मतलब बंदा वो वाला नहीं, बंदा मतलब हां मुझे समझ में आ गया कौन सा वाला बंदा, बट एक होता है ना खानदान में जो आगे सबसे ज्यादा पैसा। हां खास खास। अच्छा अच्छा, खास एक अंकल होते हैं उनका इंतजार होता है। ये क्यों नहीं आ रहे? हमारे मामू निकलता है, मामू है आपके? ठीक है, मामू कितने पैसे देते? तो हम उनसे बहुत टाइम बाद मिलने गए थे, तो उन्होंने आके मुझे $500 पकड़ा दिए। $500 भाई, सब मिल के आयशा से दोस्ती करो। कट्ठे मैक्सिमम क्या मिली आपको ईदी? मैक्सिमम एक शख्स? नहीं नहीं, टोटल बता दें क्या बोले आज? नहीं 20-25 हजार। मतलब $500 के आगे तो कम ही लग रही है। तो एक बार मिली थी ना, वो मतलब वन टाइम थिंग थी। फिर क्या हुआ उनको? हाँ जी, नहीं नहीं सही है। अच्छा ठीक है, अगली पिछली दे दी। हाँ जी दीनो, मैक्सिमम ज्यादा नहीं 10-15 हजार। बट आई नो फॉर अ फैक्ट, क्योंकि एक दफा मैं टेलीविजन शो कर रहा था तो आमने अलियास आई थी, तो उनसे मैंने सवाल यही पूछा था, तो उन्होंने आगे से कहा था मुझे एक दफा बड़े कैश ली ना, मैंने एक दफा लाख रुपए मिली थी ईदी। मैंने कहा जी लाख रुपए ईदी? रिकॉर्ड? अच्छा क्या बात है आदि, आपको खैर आपको तो नहीं मिलती फैसल भाई? भाभी आप, भाभी पहले ये बताएं फैसल भाई ईदी देते हैं आपको? नहीं, ये मुझे कहते हैं कि ये डेबिट कार्ड इसके पास है, मैं इसका वेट कर रहा था, मैं इसका वेट कर रहा था। नहीं ये मुझे कहते हैं जान वो वॉलेट रखा हुआ ना, वॉलेट में कुछ नहीं होगा तो मैं कहाँ से लूंगी? ओए टेक्निकल, आप कभी ऐसे नहीं करते इनका कार्ड इस्तेमाल करके ₹1000 मिलते हैं रोज के, लोगों को पता है। आपको बताऊं मेरा माली 1200 कमा रहा है दिन का, तो मैं 1000 कमा रहा हूं। नहीं 1500 रेट कर, 1500 हो गया भैया। वाह वाह वाह, पेंडेमिक में थोड़े फैल गया आपका बेबी बॉय। नहीं फिर भी बताएं मैक्सिमम ईदी क्या दी इन्होंने आपको? नहीं आज तक ईदी नहीं दी, ईदी नहीं दी, नहीं खुद ही ले लो जो लेना है। नहीं लेकिन वो फील अलग होती है कि गिफ्ट भाई मेरी कैशियर ही है यार स्टिल। हाँ क्योंकि अगर नंबर, अगर नंबर पैसे मैंने मैनेज किए तो बाद में झटका मिलता है। नो ये अगर मुझे ईदी देंगे ना तो मुझे हंसी आ जाएगी। माने नहीं, सोचो अब तुम ये सोचो ना, एक लड़की मैं कहूँ सना जाए 5000 रुपए देना, 5000 रुपए लिए ये तुम्हारी हाँ ये तो अजीब सी बात है ना, हंसी आ जाएगी मुझे ईदी देंगे। इसका क्या हाल है? सना वाली हरकत ये मुझे याद आ गई। मैं एक दफा फुल डाइट पे, पुरानी बात है, नई नई शादी हुई थी, मुझे इतनी सारी चॉकलेट इसने गिफ्ट कर दी। मैंने कहा यार ये इतनी सारी चॉकलेट, मैं वैसे ही डाइट पे थी, कोई नहीं मैं खा लूँ। मेरी ऐसी होगी इसके लिए। ठीक है दे तो दी ना भाई, ये बड़ी बात है। आप बताएं सर, 10-15,000 मिले थे मैक्सिमम, मतलब यार जो काम किया था 15,000 यार 15,000 रुपए बहुत होते भाई। आप अपना बताएं आपको कितनी मिली और आपको कितनी मिली? यार मुझे तो कभी याद नहीं पड़ता कि 10,000 रुपए मुझे मिले हो कभी। सवाल तुमने बताओ महाम को कब कितनी दी? हाँ दी भी आज की नहीं, याद आया आप भी तो भाई वो निकाह वाले हो। महाम और मेरा सिलसिला कुछ ये है कि हम लोग ईद से पहले ईदी दे देते हैं, मतलब रमजान के स्टार्ट पे ना। अच्छा कि हाँ जी पहली ईदी उस तरह से जाती है, अभी भी वो सीन है पोस्ट पेड वाला। तो ईद बहुत महंगी पड़ती होगी मेरी। ईद तो एक तो होती है डिफरेंट है आप लोगों से। हाँ और मैं क्यों डिफरेंट क्यों डिफरेंट होती है? बस ऊपर से आना था, मैंने कहा बड़ी बात है मुझे, मैं ईद की गिनता नहीं हूँ बॉस, क्योंकि तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती। मैक्सिमम दी कितनी है तुमने? यार मैंने सच्ची बात आज तक किसी को ईदी नहीं दी। क्या बहुत ही लालची और नीच इंसान है, मतलब वो बताओ जो हमें ना बताओ। अच्छा नहीं मैंने किसी को नहीं दी आज यार, ये क्या बदतमीजी है? अरे बहुत अजीब सा लगता है यार। और शुरू में तुमने बताया तुम बच्चों से छीन भी लेते हो, तो क्या हो गया शरारत? ईद इज अबाउट फेस्टिविटी सर। अब ये शरारतें करेंगे तो बाद में बुढ़ापे में याद आएंगे आपको क्यों तुम्हें। अच्छा ऐसा हुआ कभी आपने बच्चों से ईद दे ली हो? हाँ, तो कहते हैं खानदान में बच्चे वालदैन भी देख रहे थे, अच्छा इसको बहुत मिल रहे हैं बॉस पकड़ लो। नहीं एक्चुअली मेरा दिल बहुत बड़ा है तो हमेशा दिल बड़ा, ब्लड प्रेशर ईदी में, ईदी देने में तो मैं सखी। हाँ मेरे पास आती, मैं कहती ये तुम भी ये लो, तुम भी, मैं अपनी बहनों को बांट। क्या बात है,
दीनो आप बताएं। नहीं नहीं सेम, आई डोंट थिंक कि मैंने कभी किसी से ईदी ली हो उस तरह से बच्चे से या इस तरह करके। क्यों दीनो, क्यों सब शरारती कर रहे हो, तुम करते हो शरारतें भाई? देखो मैंने चुराए, क्यों मतलब मुझसे? एक सेकंड, ओ जी करी, मैंने तो चुराए पैसे, ली नहीं चीनी नहीं चुराए। हां ये बेहतर काम है, ये बात है, चीनी तो मैंने चुराए, ठीक है, चीनी नहीं, चुराने की बात अलग है, चीनी तो हराम होता है। ये नॉर्मल इतनी नॉर्मल बात क्यों हो रही है? मेरी जो बहन है जैसे कोई बड़ी बात है। हां हां चुराए यार भाई, मेरी बहन अपने जूतों के डब्बों में पैसे रखती थी, तो मुझे रात को अगर भूख लगी है, अब मेरे पास पैसे नहीं है, अब्बू लोग सो रहे हैं और ये वो, तो बस मैं वो पता होता था। हाँ जब पता है मैं क्यों रखी है वहाँ, तो मैं उसमें से निकाल के बहन भाइयों से ना उनकी ईदी खर्च करवा भी लेते हैं और एक्साइटमेंट होती है। हाँ। ये भी हमने बहुत अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता सब खुल रहे हैं और पता लग रहा है मेरे जैसे ही हैं तकरीबन। अपने ही बुलाए हुए हमने, अपने ही बुलाए हुए भाई। फैसे भाई आप बताएं कुछ बताएं। नहीं नहीं बताएं ना, ईदी वाला सीन आयत ईदी जो है वो सना ले लेती है, ठीक है। नहीं आयत इतनी क्यूट है ना कि वो अपनी ईदी ना एक छोटे से पाउच में सारा दिन जमा करके जमा करती है। पूरी मेहनत करेगी इधर उधर सब जगह, उस पर लाके ना पाउच, मामा यू टेक केयर ऑफ इट। तो वो ये होता है, फिर वो याद रहता है उनको कि मैंने इतने जमा कराए थे, याद भी नहीं होता। अच्छा अगर लास्ट ईयर उसने खुद सारे पैसे जमा करके उसने डोनेट किए, उसने वो डैम में 27,000 उसने डैम के लिए डोनेट किए थे। तुम सीखो कुछ, तुम मैं क्या सीखूं? वो डैम देखो, डैम तक मैं उसे पैसे जमा करूं। हां तो मैं भी अगले पैसे डैम बनेगा कब? नहीं नहीं ये इंग्लिश वाला डैम, डैम ओह डैम डैम। हमारे 70-80,000 रुपए लगे हैं उस। हां हमारे भी कुछ लग गए। मुझे रोज सुबह मैसेज आता है आपका 1-1 रुपया डैम बना सकता है। मैंने कहा 15 रुपए की तो यील्ड है, 1-1 रुपया से डैम बनाए। खैर मुझे ये बताइए आप सब लोग, जो एक बड़ा ऐसा सवाल है जो कोई भी नहीं पूछता होगा ना। हाँ। मैं पूछूंगा आप लोगों से सवाल ये कि ऐसी चीज बताएं जो आपके घर में ईद पे बनती हो और किसी और घर में ना बनती हो। ओए खास कुछ, ठीक है, इसके अलावा दो आइटम ऐसा क्या है? मैं खास से बड़े कॉमन चीजें, बहुत कॉमन चीजें होती हैं, स्पेशल हर फेस्टिवल की एक अपनी स्पेशल चीज होती है। हाँ। तो जैसे सेवैया है, या मेरे ख्याल से सेवैया और शीरकोरमा तो हर जगह बनता है, हर जगह बनता है, बिरयानी बनती है, बिरयानी इस तरह की चीजें। वो हमारी बड़ी ईद पे मैं स्टेक बनाता हूँ, वो मैं खुद बनाता हूँ, वो तो एक अलग। आप तो शुरू से सुबह से सारा काम खुद कर रहे होते हैं। बकरा ईद पे भी इन्होंने गाय के मुंह में हाथ डाला हुआ होता है, चीजें निकाल लेते हैं, और मैं उतना ही दूर भाग रही होती हूँ, फैसल उसके ऊपर चढ़ के बैठे होते हैं, सब कुछ भी कर रहे होते हैं। और आयत भी वैसे ही है, एक्साइटमेंट आयत भी वैसे ही है। हाँ आयत तो पैकेट भी बनाती है और उसके बाद फिर मेरे साथ जाएगी, क्योंकि हम रिश्तेदारों में नहीं भेजते, फ्रेंड्स में, हम ना वो सारे जाके बांट देते हैं बाहर। और आयत के साथ मैंने एक पूरा एक ट्रेंड रखा हुआ है शुरू से। हाँ। कि मैं 25-30 पैकेट्स गाड़ी में रखती हूँ और आयत मेरे साथ होती थी, और हम जाके ना जो सड़क पे गरीब लोग या बूढ़े लोग या कोई भी जो, और कुछ तो वो खुद जज करके बताई थी, मामा आई थिंक वी शुड गिव दैट टू हिम, तो वो फिर हम इस तरह से देते थे। वो उसके अंदर मेरे साथ उसका जब से वो है और उसको इस चीज की समझ आई है, मेरा उसका एक सीन है जो हम बड़ी ईद हमारी ज़्यादा स्पेशल है। हाँ इस चीज़ पे बड़ी होती है ना, इसलिए नहीं मैं छोटी ईद पे तो यही होता है सारा। हाँ, exactly. टाइम गुजारना होता है, छोटी ईद पे तो ज़्यादा दिन तो सो के गुजारते हैं, क्योंकि आपने चांद रात को एंजॉय किया, चांद रात इज दी ईद लगता है बेसिकली। हाँ मेरा मेरा अगला सवाल ये था कि चांद रात होती है छोटी, चांद रात कैसे गुजारते हैं आप लोग खवातीन से, मेरा सवाल है चांद रात अब भी लगती है मेहंदी हम बाजारों में जाके? हाँ, या आप लोग बहुत बड़े हो गए? नहीं जब हम छोटे थे तब हम जाते थे, वो जो नहीं वो आवास के पास सीढ़ियों पे और वो सब कुछ। जी मैंने बड़ा बॉडीगार्ड रहा हूँ वहाँ पे, सारी बहनें बैठी हम खड़े हैं, उधर देखो क्या हो गया यार, किसी की बहनों को ही देख रहे होगे उधर, सब एक दूसरे की बहनों को देख रहे होते हैं, किसी और की बाइक हाथ रख के खड़े हैं, पोज मार रहे हैं। मैं कभी उन गलियों में नहीं गया, ऑलवेज मॉल, ये बोलो गल्फ में होता है मुझे बताइए लड़की अपने लिए, जब लड़कियों को पता है 6 लड़का मुझे देख रहा है तो क्यों मेहंदी मेहंदी है ना, मजा आ रहा है ना, यूं यूं हो रहा है, यूं यूं हो रहा है। नहीं नहीं यूं यूं नहीं होता, यूं यूं नहीं होता, मेहंदी लगवाने में उनका अपना इंटरेस्ट होता है, उसके लिए जाती है, खत्म हो गई बात। यार मेहंदी वाली तो घर पे भी आ जाती है। नहीं लेकिन मेहंदी लगाना जाना साथ में आप चूड़ियां ले रहे हैं, एग्जैक्टली इंग्लिश में कह रहा हूं फेस्टिवल होता है,
तुम्हें शायद फेस्टिवल का सही मतलब नहीं पता दोस्त। अच्छा हमारे घर में तो सारा कुछ पहले हो चुका होता है, ठीक है, खाना सो जाती है 10 बजे चांद रात पे। भाई मैं क्या करूं, सुबह उठना होता है, नींद आ जाती है मुझे। क्यों आप क्यों सो जाती है 10 बजे? बस मुझे नींद आ जाती है, मेरी क्लॉक जो है ना वो ऐसा 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 ऐसा। चांद रात है, बर्थडेज है, कुछ भी है, सना ने 10 बजे सो जाना, सोना ही सोना है। कितना अच्छा है, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है, कुछ भी बस सही है, कैजुअल सही है। 10 बजे सोने वाला सीन अच्छा भाई। नहीं नहीं कूल लोग ऐसे ही करते हैं मेरे ख्याल से। अब तो क्या करूं मैं उसमें, फिर रात में 12 बजे रात को 12 बजे केक काट के कहती क्या हो जाएगा। क्या क्या चीज कहते हैं हमारे यहाँ, खुशी। खुशी सुबह भी मिल जाती है, सुबह आपको समझ आ रही है। अच्छा अच्छा वो वाला काम है कि 10 बजे का बंद हो जाता है दवा के। अब तो फरमान का नैप टाइम दोपहर के बाद, वो वैसे ही 9-10 बजे वो भी बंद हो जाता है, तो फिर मुझे उसके साथ ही बंद होना। अच्छा ये बताइए आपके घर में ये जो नया फैसल कुरैशी आया है, छोटा सा हमने देखा है, एक कॉपी फोटो कॉपी निकाली आपने, वो रात को जब उठती है फोटो कॉपी तो कौन उसको सुलाता है, आप या आप? वो सिर्फ मेरे पास आता है, वो फैसल के सारा दिन वो हंसता रहता है, सब देखते हैं उसकी पिक्चर्स के, वो हंसता रहता है सारा दिन, माशाल्लाह हंसता रहता है, रात को भी वो हंसते हंसते सोता है, लेकिन जब वो उठ जाए और फैसल उसको अपने पास लेकर आए तो वो ऐसे रोएगा कि जैसे उसको किसी ने बहुत मारा है। अब वो सिर्फ मेरे पास आके एक सेकंड में चुप, सिर्फ उसको रात में वो फैसल के पास नहीं जाता। यस ममता इनको पता नहीं क्या बात की, लेकिन मुझे पता है वक्त अजीब ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए। आप देख रहे हैं मजेदार ईद विद आदि एंड फैज़ान। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं मजेदार ईद विद आदि एंड फैज़ान, और अब हम बात करने वाले हैं ईद के खानों पे। वाह क्या वाह, की खाने की बात हो रही है तो वाह कहते हैं ना। हाँ तुम्हें भूख लग रही है मुझे लग रहा है। नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लग रही, हाँ जी जानना चाहता हूँ क्या होता है। ठीक है जी, ईद पे स्पेसिफिक खाने होते हैं, हमने पहले भी डिस्कशन की, लेकिन ये बताएं कि आपके घर में कोई ऐसी खास चीज बनती हो जो आप बोले यार ये मेरे यहाँ बनता है, ये हर जगह ईद पे नहीं बनता। जैसे मेरे यहाँ ये कि काबुली पुलाव, और वो बनाया हाँ। जाता है खास तौर पे ईद पे ईद पे भिजवा वो कह रही है हमें भी बुलाओ। तो ये खास तौर पे बनाया जाता है जी। मैं आ रहा हूँ, आ जाए आ जाए, मैं भी आ रहा हूँ, आ जाए आ जाए, हम चले यहीं से बंद करें चलते हैं सारे। तो बताएं जी कोई खास चीज बनती होगी हमारे जी ये खास तौर पे बनाया जाता है। मेरे तो वही रेगुलर ईद, नहीं मेरे आई थिंक शेर खुरमा तो हर जगह, कौन सा वाला शेर खुरमा। हाँ क्योंकि शेर खुरमा भी अलग अलग तरीके के बनते हैं। हाँ हमारे यहाँ बनता है, इट्स लाइक वेरी थिक एंड नाइस, आई रियली लाइक इट। साबूदाना डालते होंगे ये मुझे नहीं पता। कोई खास आज सच तो नहीं, शाही टुकड़े होते हैं, हर जगह नहीं होते, हर जगह नहीं होते, कहीं टुकड़े नहीं होते, नहीं होते, राइट। और देखिए कबाब हर किसी के घर में होते हैं, लेकिन हमारे घर के कबाब बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा अच्छा खास बात, मशीन वाले नहीं। चलो तुम्हारी तरफ से इसकी तरह। हाँ ठीक है मैं भिजवा दूंगी, हम एक वन डिश कर लेते हैं ना, क्योंकि वो सिलबट्टे पे पीसते हैं तो वो रेशे वाले होते हैं, दे अमेजिंग जबरदस्त, टेस्ट रियली गुड। आयशा जी आप बताएं कोई खास चीज बनती हो आपके यहाँ। शीर क्या होता है? शीर आपकी शीर मेरा बताया आपके घर में क्या बनता है? यही शीर खुरमा तो बनता है, अच्छा ये बताएं क्रीम मिल्क केक मस्ट है जो ईद की दावत हो रही है। ये आया ना ये आया ना, क्या कर रहे हैं फैसल भाई, नहीं कर रहे यार थ्री मिल्क केक। वैसे हम लेकर आते हैं स्ट्रॉबेरी शॉर्टब्रेड भी, बहुत मजे की लगती है। वाह भाई आप सब शो ऑफ करना, क्या अच्छी लगती है स्ट्रॉबेरी शॉर्टब्रेड। हां जी मुनव्वर वापस बोल के दिखाएं, है ना बोले उसने कह दिया ना। नहीं नहीं मुझे बताएं कि ईद पे जो दावत होती है उसका मेन्यू कौन सेट करता है, आप या आप? नहीं ये बिकॉज़ ही लाइक्स टू ईट, और अपनी क्रेविंग्स खत्म करनी होती है। हाँ जो अपनी क्रेविंग्स खत्म करनी होती है ना कांस्टेंट डाइट की वजह से, मैं तो फिर भी खाना चल रहा है। ये बताते हैं कि ये होगा, हाँ ये होगा, और ये भी होगा, और ये फरमान की बर्थडे पे डंडा बिरयानी यस डंडा बिरयानी। हाँ खास डंडा बिरयानी, खास डंडा बिरयानी। क्या फर्क, मेमनू की डिश होती है उसमें, ये होता है कि आपको खाने से पहले दो डंडे पड़ते हैं,
खाने के बाद दो डंडे नहीं वो होती है असल में नल्ली बिरयानी, नल्ली बिरयानी, नल्ली बिरयानी को बेसिकली डंडा बिरयानी कहा जाता है। बड़े बड़े जो है सनम सोच रही क्या नाम है डंडा बिरयानी, उसका नाम ही डंडा बिरयानी है। आपने वाकई डंडा बिरयानी आपने नहीं खाई है? नहीं, मैंने कच्चे गोश्त की बिरयानी, कच्चे गोश्त की बिरयानी, हाँ हाँ मैंने भी फर्स्ट टाइम खाई, बहुत अमेजिंग होती है। जी जी जी, वो भी बड़े मशहूर है। कच्चे गोश्त की, कच्चा गोश्त कौन खाता है? पता नहीं, अलग से गोश्त डालते हैं, अलग से गोश्त डालते हैं तो उसको कच्चा गोश्त कहते हैं। अच्छा जी, कच्चा ही डालते हैं, साथ पकता है वो, बना के लेयर्स लगा के उसको मिक्स कर देते हैं ना, पूरी बिरयानी बना के बाद में गोश्त डाला जाता है। डिटेल चेक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर नमक ज्यादा हो जाए क्या डालते? आटा, पूरी सास है जबरदस्त यार, जबरदस्त पकाते खाना, उनको पता नहीं, इतना डिटेल पता है। हाँ जी, कौन मेन्यू सेट करता है घर में? घर में हमारे खाना नहीं बनता है। अरे बेचारे, अल्लाह मदद करे आप भाई। मतलब जहाँ दावत होती है अम्मी 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 ही करती है। अम्मी, मतलब उसमें नहीं होता कि आपसे पूछे कि भाई क्या होना चाहिए। इतनी इज्जत तो है ही नहीं ना, दी नहीं ना, वही तो बता रही हूँ, है ही नहीं घर में। अच्छा, आप अम्मी करती? अरे तुम छोड़ो, नहीं एक्चुअली अम्मी करती हूँ, मेरी बहन आना मैं वो करती हूँ, बिकॉज उसको बहुत शौक है कि ये भी होना चाहिए वो भी। मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ कि कुछ भी मिल जाए, बस खाना होना चाहिए, खा लूंगी। आपको इसमें कोई फरमाइश भी नहीं करती आप? नहीं, आई लव बिरयानी, नहीं क्योंकि मेरे घर का हर खाना बहुत अच्छा होता है। अपनी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो मुझे पता होता है कि जो भी होगा अच्छा होगा। बट मेरी जो बहन है वो बहुत स्पेसिफिक है कि नाश्ते में ये होना चाहिए। जैसे कि बड़ी ईद होती है ना, तो उसमें फौरन कलेजी बनती है, तो उसका वेट करते हैं, तो वो बड़ी स्पेसिफिक है उस तरह से। मेरा नहीं, कोई टेंशन नहीं घर में। मेन्यू कौन संभालता है? अम्मी और बड़ी बहन। हम लोग वैसे अम्मी और बड़ी बहन जो है देयर अमेजिंग कुक्स, तो हम लोग तो सारे ना बैक ऑफ हो जाते हैं, हम तो करीब भी नहीं जाते, पूछते नहीं, मूड ऑफ हो जाए ना, हिम्मत मूड ऑफ हो जाए बनाए ना, हमको ये टेंशन होती है ऐसा ना हो कि इनका मूड ऑफ हो जाए, इनका मूड ना हो बनाने का, तो हम बिल्कुल बात ही नहीं करते उनसे। ठीक है, जो 24 आवर का पीरियड होता है उसमें बात ही नहीं करते, जो जब तक खाना कंप्लीट ना हो। एग्जैक्टली, जो सबसे ज्यादा घर में काम करता है ना उसी की चलती है, वही डिसाइड करता है, तो इसलिए बाकी लोग खामोश होते हैं। पावर सारी वहां चली जाती है। नहीं, वो लोग क्योंकि पूरे साल का इंतजार भी करते हैं, कुछ खास ऐसे मौके होते हैं जहां मेरी वालदा और मेरी बड़ी बहन खाना पकाती है, वरना नॉर्मली दे डोंट गो इनटू द किचन दैट मच। लेकिन वो जो खास मौके जैसे ईद है, तो हम लोग तो डिस्टर्ब ही नहीं करते ना, उनसे बात ही नहीं करते, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो मूड ऑफ हो जाए, नहीं मैं नहीं बना रही, क्या है फंक कर रहे हो, तो मतलब बनाए बनाए पूछो ही नहीं भाई, पूछो ही नहीं, बात ही नहीं कर रहा है। असल में नॉर्मली क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पूरा साल घर में औरतें कर रही होती हैं, सो ऐसे इवेंट्स होते हैं ना, तो वो फिर मैं कहता हूँ कि नहीं यार मुझे घर आज कोई भी ऐसा इवेंट, और उसमें मजा आता है साथ, बड़ा मजा आता है। मतलब वो होता ही है कि लंगड़ी झाड़ू दे, एक जना टांग पकड़े, हैं हाँ, मतलब वो बाकी सारे काम ये लोग कर रहे होते हैं, सिर्फ मैं पका रहा होता हूँ। मतलब हट जाओ, मैं पकाऊंगा बस, हट जाओ, बिल्कुल सीरियस हो गया। और मुझे होता है कुकिंग के साथ साथ ना सफाई भी, हर थोड़ी देर के बाद तड़ी भी लगती है आगे किचन का, कहीं पे ना नीचे ये नहीं चाहिए, अरे भाई खाना पकाना ही नीचे गिर जाएगा, सब इधर उधर हो जाएगा, नारा उसको आगे भाई पानी ना नजर आएगा, अबे भाई नहाते हुए पानी, ऐसी भी बात नहीं है, ऐसी भी बात ऐसे मत बोले हमारे भाभी को। ओके ओके अच्छा ओके ठीक है। अच्छा जी, हमने कुछ आप लोगों के लिए स्नैक्स यहाँ पे रखे हुए, ताजा ताजा शीर खुरमा बनाया गया है अपने घर में, तो पता नहीं क्या क्या बन रहा है, काबली पुलाव और ये वो घर में बन रहा है ना, घर में बन रहा है ना, असल में टीवी हमारी अम्मी का नहीं है ना। आप लोग यू कैन हेल्प योरसेल्फ, बिल्कुल फ्रेश खाना आप लोग खा सकते हैं, उसके साथ साथ आयशा और अरसलान हम एक जबरदस्त गाना सुनाएंगे, तो आप लोग यहाँ जाइए, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हो पढ़ पढ़ लमते फासल हो ते कदे अपने आप नू पढ़िया ना, हो भज भज वड़नाए मंदर मसीती ते कदे मन अपने विच वड़िया ना। बस करी हो यार इल्मो, बस करी हो यार, बस करी हो यार इल्मों, बस करी हो यार,
एक अलफ तेरे दरकार, अलफ तेरे दरकार, हक बस करी हो यार, इल्मो बस करी हो यार। में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। हो गहराई में जितना भी जाऊं, गहराई में हो ओ, 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 गहराई में जितना भी जाऊं, गहराई में हो, हो, ओ, गहराई में जितना भी जाऊं, तुझको पास मैं उतना ही पाऊं, जिसे दरिया का पानी जीवन दे उसे दरिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। हो इश्क में जो भी मैं कसम खाता हूं, ना मैं उन पे रहम खाऊंगा ना मेरे हाथ कांपेंगे, ये इंतकाम जरूर पूरा होगा। देखिए हर जाय 21 मई से जुमाता इतवार रात 8 बजे आपसे रिश्ता है प्यार का। आप देख रहे हैं मजेदार ईद विद आदि एंड फैजान, और एक जबरदस्त गेस्ट हमारे पास और मौजूद हैं जिनको हमने माइक नहीं दिया है क्योंकि वो कह रहे हैं मैं अपनी मर्जी से सब कुछ मैनेज कर लूंगा। सुपरस्टार अब आए, एक्चुअल सुपरस्टार जी फरमान कुरैशी को आप देख सकते हैं जो डीनो भाई से जिन्होंने दोस्ती कर ली है। वो सेट की लाइटों को देख के मुझे बता रहे हैं कि वाली लाइट ठीक है, एस्थेटिक्स दिखा रहे हैं, वेरी गुड। वो अभी सेट डिजाइनर को थोड़ा सा डांटने वाले भी हैं कि यार ये सही नहीं है, बता आपको ही बता रहे हैं। हां क्या हो गया दादा ना बोले, अभी आपसे नहीं पूछ रहे। लाइट 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 वो कह रहे सही, उसने कहा सही वर्ड याद किया लाइट 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 लाइट। पता है जिंदगी में लाइट बहुत जरूरी है, ये चेक करें आप। ये आ जाओ, ये आई 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 आई। अब आप ये देख सकते हैं 1.5 लीटर के साथ साशे पहचानी इनमें से वैसे कुरैशी कौन था। अच्छा जी वक्त हुआ है जी, हमारे ईदी वाले चाचू यहाँ मौजूद हैं, ये आप लोगों में बांटेंगे ईदियाँ। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और इनको इम्प्रेस करना पड़ेगा। ओके ठीक है जी, इनको इम्प्रेस करने। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास आज जितने भी गेस्ट हैं वो बहुत जबरदस्त होस्ट भी हैं अपनी अपनी जगह पे, सब सब माशाल्लाह
वो बचपन था बचपन था नहीं होस्ट तो हमेशा होस्ट। तो आप लोगों को एक एक चिट यहाँ से उठानी होगी और जो उसमें होस्ट होगा यहाँ से उठानी होगी क्या होता है मैं आपको, मैं आपको पेश करूंगा हमने भी तो एक टाइम पे इतनी मेहनत की थी मैं आपको पेश करूंगा आप बेफिक्र हो जाइए मैं उठूंगा आपको पेश करूंगा आपने वो गेस करवाना है कि जी वो होस्ट कौन सा ओहो हाँ जी पहले मेरी बारी इनको गेस करवाना है जी सबको करा सकते हैं कोई मसला नहीं है और इस पे आपको ईदी मिलेगी इस पे ईदी मिलेगी आप लोगों को जैसे आप गेस कराएंगे मैं आपका एफर्ट चेक करूंगा और क्या पता आपका अपना नाम ही नहीं करा है यू नेवर नो अच्छा ठीक है फीमेल फीमेल होस्ट हां हां जी नेदा नेदा हैं शाइस्ता नादिया वाह जी वाह तीन बारियों में आदि भाई कैसी लगी परफॉर्मेंस आपको 150 बनता है आपका वेरी गुड मेरा हो गया मैं निकलूं नहीं नहीं और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सलाम सलाम गीत पे सलाम हां हां सलामी पे अस्सलाम वेरी गुड हां जी आपकी बारी पार्किंग के पैसे अरे अभी तीन चिप्रोम में क्या हो जाओ अंकल आदि के पास अंकल आदि छुपा के क्या है दिखाएगा नहीं किसी को मैंने नहीं देखा मैंने नहीं देखा आपने इधर गेस कराना है आप लोग एक तरफ में टेंशन नहीं लें अच्छा हां ठीक है ओके लड़की नहीं है नहीं है फीमेल होस्ट करे नाक नहीं है उसकी लड़की नहीं है लड़का भी नहीं है अच्छा सही है लड़का है लंबा है पातेर साहिर नहीं 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 धोती धोती धोबी धोबी अरे वाह मुहिब ये क्या ओ फहद अरे वाह वाह आज भी परफॉर्मेंस पे भाई आपने बहुत अच्छा किया इसलिए आपको 50 नहीं मिलेंगे 150 रुपए आपके हो गए यार तुम बहुत पैसे बांट रहे हो शुरू में मैं इनको खुली छूट दे रहा हूँ यही हो रहा है ना भाई बड़े पैसे दे रहे हो यार तुम 150 रुपए पहली परफॉर्मेंस पे क्या कह रही है आप बैंक भी नहीं गए आपने साफ वाले नोट भी नहीं निकाले ये बैंक से गड्डी आई है पूरी हाँ बैंक गंदा था ओके चलो डीनो भाई हाँ जी बताइए वो अपना एंजॉय कर रहे हैं भाई हेल्प नहीं करे हेल्प नहीं करे आपकी ईदी कट जाएगी फिर सॉरी चाचू गुस्से वाले क्या हुआ ओके ओके हमें करवाओ हमें इधर 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 भाई इधर अबे लड़के का ये होता हाँ ये ठीक हाँ क्यूट ये ठीक है लड़की लेकिन नहीं है हम कंफ्यूजन में रहे इधर ही करते हैं साहिर अरे यार इतना आसान था उसका तो यार डीनो बहुत ही अच्छा नहीं किया आपने क्या मतलब मुझे ज्यादा मिलने चाहिए ये क्या बात नहीं नहीं आपको भी फॉरेन पहले वाले में सबको 150 आदि तेरा वॉलेट गया कहाँ आदि आपका वॉलेट और आपका फोन आपकी अपनी जिम्मेदारी चलो मेरी कहाँ से बारी आ गई क्यों क्या 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 इसमें डाल दो ये वही है जो मैं समझ रहा हूँ हाँ अल्लाह खैर करे ये 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 और ये क्या या या अच्छा रुके ना 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 आप गेस करें बस ये देखें ये और ये भी ये क्या बात है हम ये पूछते हैं क्या बात है मुझे तो समझ आ गया और बताएं आपको समझ आ गया मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप मत गेस करें देखें सबको समझ आ गया ये देखें समझ आ गई है अब आप सनम जी गेस करेंगी ये हाँ। मैं करूंगी तो उनके कनाडा में ऐसे तस्वीर भी थी यार तुमने देखी है सोचे ये जानदार अरे हाँ। सलीम यार क्या नाम है अली सलीम बेगम नवाजी बेगम नवाजी अरे यार बनता है मेरा 150 चले पैसे भाई आदि का वॉलेट छोड़ के चलो तुम गेस करो हाँ हाँ भाभी गेस कराएंगी भाई ये करवा ही ना रहे कोशिश तो करा लेंगे मुझे लगता है करा लेंगे आपके अंदर है वो आप करा लेंगे हाँ बताएं बताएं ओके हाँ ठीक है मेल होस्ट है ओ एटीट्यूड भी है इस तरह से बैठता है लंबे बाल लंबे बाल भी लंबे बाल है वासी चौधरी पोनी भी है होनी भी है होगी समटाइम वगैरह होगी ये कौन लंबे बाल है लंबे बालों वाला ये क्या है गाना भी गाते हैं गोला गंडा खा रहे हैं ये एक सन हाथ पैसे पैसे लिखते हैं जर्नल अरे वकार जगा वकार जगा वकार जगा लिविंग ऑन द एज अच्छा किया मुझे लगा कोई जर्नलिस्ट हो यार जर्नलिस्ट वकार जगा भी तो जर्नलिस्ट है हां वैसे जर्नलिस्ट तो है बिल्कुल जी आपकी बारी अगली पार्किंग भी अगली अच्छा, पार्किंग के पैसे वो छोड़ दें लो ओए बिल्कुल रिवर्स गियर चलें जी
कोई मुश्किल में आपको फिर से आगे बताएं मेल या फीमेल? मेल या फीमेल? मेल फीमेल इधर ही हैं, इधर भी हैं, टीवी पे आती हैं, ठीक है, इधर होती थी, यहाँ होती थी, यहाँ होती थी, नहीं यहाँ नहीं होती हैं, यहाँ यहाँ पहले साहिर होता था, फिर मैं आ गया, अच्छा, फिर तुम लोग आ गए, फिर साहिर आ गया, अब आपने पता क्या, एक दो बार ऐसे हुए साहिर भाई आए और उनके बाद फिर साहिर भाई आ गए, हाँ, लाइटें बोल रहे बहुत बोलती हैं, क्या नहीं बोलती हैं, ट्यूबलाइट है, चिप चिप ये ट्यूबलाइट था, बाल लंबे लंबे, बाल बहुत लंबे 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 बाल हैं, लंबे लंबे बाल, लंबे बाल हैं, पुरानी है, अभी आई है वापस, एक्टिंग भी करती थी पहले, नहीं नहीं ये आपने यूं क्यों किया कि नहीं भाई, वो ये छापे तो नहीं मारती थी, मैं गेस मारूं क्या, हां शाइस्ता, नहीं भाई इधर की नहीं है बिल्कुल, इधर की नहीं है, हाँ। नहीं है पाकिस्तान की नहीं है, हाँ। पाकिस्तान, पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान की नहीं है, बाहर से आई हुई है मथिरा, अरे आपने गलत बताया ना, आपने बाल लंबे बताए, गलत बताया, क्यों मथिरा के बाल लंबे, हाँ नहीं तुम कुछ क्या क्या उनको आपको बताना क्या, अरे गुची गुची था ये, क्या आप दे दी, और चार यार विद प्रॉपर पाउडर, हाँ जी दीनो भाई कर लेंगे, अब बताइए यार आप लोगों ने टीम क्यों बनाई हुई, आप शेयर करेंगे आपस में, ठीक है ना, अच्छा ओके, मैंने कभी देखा ही नहीं इनको, इनको देखा ही नहीं है, लाइन दिखाएं मुझे तो पता चले कौन है जिनको आपने देखा ही नहीं है, कौन है आदि तुमने दिए नहीं सनम को, अरे हमने गेस किया आपका 150, ओके चलो मैं यार दिस इज नॉट फेयर, है ना, क्या बनते हैं 200, तुमने पैसे नहीं दिए फॉरन, मथिरा पे तो 200 बनते हैं वैसे, क्यों एक्स्ट्रा क्यों, मेरी मर्जी मेरे पैसे, एक्स्ट्रा क्यों, इनकी बड़ी अच्छी दोस्त है, थैंक यू, ओके सो मैं एक हिंट दे सकता हूं क्योंकि मैंने वाकई इनका कभी शुभ काम नहीं देखा है, वैसे तो शर्म की बात है, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, शर्म की बात है डीनो, देखा होगा भूल क्योंकि मैं भी भूल गया, आई डोंट नो, मैंने बहुत अरसे से नहीं देखा, अच्छा इनके हस्बैंड बहुत फेमस हैं, इनके हस्बैंड भी बहुत फेमस हैं, या मुझे लगा बात नहीं कर सकते तभी, ये आप क्या बातें कर रहे हैं, मैं हिंट दे रहा हूं, मुझे ऐसे थोड़ी हिंट देंगे आप, ऐसे हिंट देने की नहीं हो रही है, लड़की है, लड़की प्यार हो गया भूल गया, एक एक चीज से बहुत फेमस है, ये आई हैव नो आईडिया, मुझे नहीं पता, एक चीज जो सब मैं बहुत बुरी तरह फेल होने वाला, बताए ना क्या क्या, चलिए आप काउंटर ही नहीं दे रहे, काउंटर दे, मैं देखना चाह रहा हूं कहां जा रहे हैं, मॉर्निंग शो होस्ट तो नहीं है, यस मॉर्निंग शो, यस मॉर्निंग शो, मेधा, मेधा, नहीं नहीं नहीं, पुरानी वो मॉर्निंग शो होस्ट थी, अच्छा थी थी, अब है नहीं, दुनिया बताए ना, हां हां हां, क्या चलिए भाई, 5 क्या नाम है, 4 फरा, फरा नहीं जी, फिर जवेरिया साउथ, अरे जवेरिया मैंने नहीं देखा जवेरिया की हस्ती बहुत फेमस है, बिल्कुल ना, उनका घर भी बहुत फेमस है, क्यों बता नहीं, आ जा, अरे मेरा बटवा क्या कर रहा है बीच में, वो हमने डाल दिया ना आपके लिए, अरे दो निकला है, हां निकाल लो, अच्छा कार्ड निकाल रहा था, हां हां जी, तो आप है, अरे लड़का है, लड़का है, सैड बस, शक्ल बनाते हैं उदास रहते हैं, सैड रहते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ, सवाल पूछते हैं, हाँ सैड रह के सवाल पूछते हैं, जर्नलिस्ट है कि वो, नहीं नहीं वो अपना बदामी, हाँ क्या बदामी, वसीम बदामी, वसीम बदामी, वसीम बदामी सैड रहते हैं, मासूम, मासूम आना सवाल, मासूम था आपका, ये कैसा मासूम, बिल्कुल मासूम नहीं था, मुझे आप पे कर, कितने पैसे दिए तूने, घर है मुझे आप पे 150 दिए, चले आपकी बारी, यार कोई ऐसा अभी तक नहीं आया जिसमें मैं 500 रुपया दे दूं आपको, यार ये आया, 500 भी है मुझे, तो 500 भी है, 500 वाला भी है भाई, बताइए, लो भाई, लो 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 भाई, क्या हिसाब है, लो भाई, लड़की है, लड़की है, ओह माय गॉड, ये कौन है, ये कौन है, ये कोई सही लड़की नहीं है, ये कौन था भाई, इंजेक्शन लगा रही है, शाइस्ता, शाइस्ता, हमारे कान में भी आवाज आती थी, ये 200 है, 200 है, हाँ जी, हाँ जी, कौन है, कौन है, घंटी तो बजी नहीं, हाँ ये मुश्किल है ना, लड़की है, मुश्किल कैसे, मुश्किल लड़की, तो होस्ट है,
अभी कर नहीं है शो, मूड टाइट है, प्यारी है, मूड टाइट है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। अच्छा छोटे बाल है जी, मदीहा नकवी नहीं नहीं, जर्नलिस्ट है नहीं, होस्ट है, शो होस्ट है, इकरारुल हसन मॉर्निंग, अरे लड़की की बात कर रहे हैं, पहले पहले सनम बलोच नहीं नहीं, सनम से भी पहले, सनम सिंधी, सनम सनम बलोच की बात कर रहे हैं, हां हां हां, लास्ट नेम भूल गया, आई नो सनम, पता है नहीं कुछ आई में, हां नहीं नहीं मुझे पता है, बॉक्सिंग करती थी, बॉक्सिंग मैं सनम, और कौन है सनम, ये अब तो इन्होंने गेस कर लेना है, अब हमारे सिंगर्स की बारी, कैरी और कौन है सनम, हाँ बॉक्सिंग करती थी, और ये आज तुम्हारे वॉलेट ने बहुत जगह ले ली अंदर यार, मैंने थोड़ी डाला, फेंक दे यार निकाल के ला मुझे, मैं देखूं है क्या क्या पता, मैं ये भी नहीं होगी, इतनी बड़ी पर्ची नहीं भाई, ये भी नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे होस्ट वाला काम कंप्लीट हो गया है, वेरी गुड, पैसे गिनो, पैसे पैसे गिने भाई अपने अपने, लेकिन इसके अभी आपको पता है कि और मजीद भी ईदी मिलेगी आप लोगों को, पैसे एंडिंग में काउंट होंगे, कौन जीता एंडिंग में काउंट होंगे, मैं चाहता हूं हमें आयशा या असलान पहले कोई सोलो सुना जल्दी से, अच्छा सा पैसे भाई और सनम, मेरा हो गया मैं निकलूं, नहीं नहीं अभी कैसे, ऐसे कैसे, और कमा सकते, हां जी असलान क्या सुनाने लगे, तेरे बिना मैं जीऊंगा कैसे, रास्ते पे छाई है घटा, तुझसे मैं हूँ मुझ में तू है, कैसे फिर ये तय हो फासला, होश ये मेरा खोया नहीं था, आज जो पाया पाया नहीं था, खिलने लगी हर कली आज से, ये इश्क का है मौसम, ये इश्क का है मौसम, प्यार की गलियों में खो जाए कहीं हम तुम, प्यार की गलियों में खो जाए कहीं हम तुम, कोठे उते आ माया, कोठे उते आ माया, मिलना ते मिलना है नहीं ता कस मनुखा माया, की लेना है मित्रा तो, की लेना है मित्रा तो, मैनू की होवे डर लगता है छितरा तो, ये इश्क का है मौसम, ये इश्क का है मौसम, प्यार की गलियों में खो जाए कहीं हम तुम, प्यार की गलियों में खो जाए कहीं हम तुम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप लोग देख रहे हैं मजेदार ईद विद आदि एंड फैजान, और अब वक्त आ गया है गेम खेलने का, उसके लिए मजीद और ईदी देंगे आप, मजीद ईदी, ईदी तो मैं आपको हर गेम में देता रहूंगा, मेरे पास सिर्फ 300 है, हाँ अल्लाह के हालात बेहतर करे, आपने मुझे लगता दिया नहीं, 850 ओए होए होए होए, नहीं आपने कंबाइन कंबाइन कंबाइन, अच्छा जी तो आप हम जो गेम खेलने लगे हैं जी, उसमें आप लोग टीम में हो जाएंगे, क्या टीम पकड़ लेती टीम, आप दोनों ही टीम है, आप दोनों ही टीम है, और हमारे दोनों सिंगर्स जो हैं वो भी एक टीम है, ठीक है, और आप, हम दोनों ब्रदर्स हैं, खैर तो करना ये होगा कि सामने आपके व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, आपको एक मार्कर दिया जाएगा, और आपके पार्टनर को भी एक मार्कर दिया जाएगा, आपका पार्टनर जो है आपकी कमर पे कागज से
कागज और मार्कर से चीज बनाएगा और आपने ड्रॉ करना है उसको व्हाइट बोर्ड पे, इससे पता लगेगा कि आपकी केमिस्ट्री कितनी है। समझ आया आपको? और बताएं फैसल भाई, हालात वालात सब घर वाले? ड्रॉ तुम ही करना, क्यों पे बोर्ड पे आपको भी करना पड़ेगा। हाँ। आप क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे? आप ड्रॉ करेंगे तो वो आगे कॉपी करेंगे। मैं गेस करूंगी कि आपने क्या ड्रॉ, पीछे कमर पे करूंगा। हाँ बिल्कुल। हाँ चल भाई आ जाएं। पहले मैं चाह रहा हूँ पहले तुम और मैं करें, पहले हम दोनों आपको करेंगे। हाँ ठीक है, तुम लोग करो फिर हम निकलते हैं। ठीक है आप लोग भाई देखें, ये लीजिए। कौन आगे? आप आगे, अल्लाह खैर करे। चले जगह तो दो भाई, ये इधर इधर इधर। हाँ तैयार? जोर से ऐसे। हाँ हाँ जोर से। अरे ऐसा करो ना, हैं हैं अल्लाह खैर ही करे। आज ही बना लिया मैंने, कि दिखाएं जरा। टीपॉट। ये क्या है? टीपॉट। रुक जाओ, क्या बनाया? गाड़ी यार। आदि हम दोनों को साथ काम करना छोड़ देना चाहिए। ठीक है जी, वी आर नॉट ब्रदर्स, हमसे नहीं हो रहा भाई। सॉरी जी। आइए सनम और डिनो। हाँ मैंने कहा कौन आएगा भैया? चल भाई बोर्ड पे मैं बनाता हूँ। अच्छा सुनो, इसकी ट्रिक पता क्या है? इसकी ट्रिक ये है कि पीछे वाला इंसान बहुत आराम से ड्रॉ। हाँ एग्जैक्टली, ये इसकी ट्रिक है। जी हाँ जी भाई जी। ओके ओके आ जाए आ जाए। लेकिन मुझे बनाना क्या है? आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। अच्छा मैं क्या बनाऊं? बता देंगी तो फिर कैसे होगा? जो आपका दिल चाहे। अच्छा एक सेकंड, मुझे कुछ आ नहीं रहा। पहले ये देख, कुछ आ नहीं रहा। सोचिए। ओके 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 चलो। ओके डीनो भाई इतनी स्पीड में चल रहे हैं कि ये मिटाया ही नहीं है। फिर से करें। ओके ये मिटा देता हूँ, अब करेंगे। ओके अरे वाह। ओके ये क्या, ये क्या, ये क्या यही आता था यार। वेरी क्यूट। अल्लाह अल्लाह क्या बन रहा है पता नहीं। डीनो ऑलमोस्ट वही बना रहा है। हो गया क्या है दिखाइए, ये क्या बना है ये देखिए जरा। अच्छा वेल हाँ शक्ल तो है। कहाँ है शक्ल भाई? ये शक्ल है ना, दो आंखें, ये नाक और ये मुंह और ये टोपी। बिल्ली की तुन्नी भी है। क्या बिल्ली की? क्या तुन्नी? बेली बटन। बेली बटन, बेली बटन। आइए आइए यार, बहुत आ रहा। आइए जी आप आगे, फैसल भाई की बारी। फैसल भाई की बारी। कम ऑन कम ऑन। वैसे भाई आपने ड्रॉ करना है, ये लीजिए फैसल भाई की, अगर कोई ड्राइंग देख लेना। पहले पहले सना ड्रॉ करें। अच्छा चलें, ये लें, ये लें भाभी। बनाएं जी बनाएं। कोर्ट में ना कर दिया पेन, उनको पेपर तो दो। पेपर ले लिया, ले लिया, ले लिया भाई, ले लिया यार। फैसल भाई सीरियस हो रहे हैं, सीरियस हो रहे हैं। हाँ ये ये ऐसा ऐसा फैसल भाई। चले भाई उसके ऊपर दोबारा से करें जो आपने अभी किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे वाह क्या है ये, क्या है? आप भाभी अच्छी तरह से कर रही है। मुझे फील ही नहीं हो रहा है। करो करो, मैंने फूल बनाया था, इसने आइसक्रीम पे फूल बना दिया। ओए 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 बहुत आला भाई, वेल डन, वेरी क्लोज यार, वेरी गुड यार, जबरदस्त, ऑलमोस्ट। अभी आपने पहले आइसक्रीम क्यों बनाई थी? मुझे लगा आइसक्रीम बन रही है। कौन है? 50 रुपए यार सिर्फ। मैं अल्लाह की कसम मारूंगा इस पे 500 बनते हैं। फिर वहां से ले लो जा, बनते हैं हमारे पास 50। चले
चले अब आगे आयशा की बारी खेलूंगा। क्यों नहीं प्लीज 50 रुपए में तो मैं नहीं यार 50 और देना बॉस भाई 50 ही होता है यार आप थोड़े से तो और दें यार मार्केट डाउन है आजकल क्या है मार्केट डाउन है आऊंगा यार अब हैं मैं नहीं बनाऊंगा अच्छा मजे की बात है क्या एक ही बारी थी आप क्या था बारी एक ही थी ना क्यों नहीं नहीं फिर खेल सकते हैं अच्छा फिर से खेल सकते हैं बिल्कुल नहीं अब आयशा की बारी आ गई ना भाई आ जाए जी चल भाई आ जाए आप दोनों अच्छा बोर्ड में कौन बना रहा है फैजान 100 तो बनते हैं यार यार मैं तो कह रहा हूँ लेकिन चाचू मान ही नहीं रहे 100 चाचू मान ही नहीं रहे आपका पेन पुराना टाइम था ये नहीं जी बनता था चले भाई कोई मुश्किल ही चीज बना दे मैं तो कहता हूँ केकड़ा बना दे भाई हाँ जी हो रहा है अरे बनाने दे अगर इन लोगों ने कर लिया तो हमारा तो अच्छी बात है अटक गया मिस हो गया नहीं हो रहा तुम इतनी कंजूसी से क्यों बना रहे हो भाई नहीं भाई कहीं और ही जा रहे हैं दोनों हाँ बिल्कुल चेंज हो गया अरे यार वैसे इतना बेसिक बनाया उसने चलो भाई हट जाओ सामने से हटो ये देखें कितना कितना दूर हट जाओ यार लेकिन बताओ देना इतना बुरा नहीं है कैसे असलान आप हमें अगर जगह देंगे तो हम वहाँ दिखा सकेंगे आपने क्या बनाया है ये देखें क्या है जी भाई ये वाला इटली में हाँ वो लड़काना में ठीक है अब आदि भाई आपकी मर्जी अगर आपने इनको कुछ आप अगर भाई मैं इनको सच्ची बात मैं नहीं दे रहा क्यों नहीं नहीं मैं इनके एफर्ट पे इनको 50-50 रुपए दूंगा ठीक है ये ले 100 आए यार डंडा दो मुझे तो इसने कुछ भी नहीं दिया है हमें तो कुछ भी नहीं मिला आप बहुत ही कंजूस हो यार तुम चलो आदि बारी आ गई तुम्हारी कितना अच्छा नहीं आप लोगों का बुरा आदि तुम्हारी बारी आ गई चलो मैंने देखिए अपने आप को भी पैसे पेपर तो उठाओ ओके कम ऑन हां तो हमने अच्छा नहीं बनाया कम ऑन आदि कम ऑन अच्छा नहीं बनाया मैं आपको ऐसा करके दिखाऊंगा दुनिया देखिए फैजान हां आई बिलीव इन यू कम ऑन फैजान वेरी गुड आप कितने बड़े चीटर हैं हेल क्या कर रहा है भाई सही है वाह 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 अरे वाह अरे यस यस अब मैं अपने आप को दूंगा 3,000 रुपए मैंने बनाया है सॉरी मैंने बनाया भाई 50 यार क्यों 50 रुपए यार तुम्हें क्यों ज्यादा दूं मैं देखा 100% बनाया ऐसे करना है 100% बनाया हमने भी कर लिया था ओ देखा ऐसे करना है अभी ट्राई चलें आ जाएं एक दफा किसकी बारी आई अब सनम ड्रॉ करेंगे मैं ड्रॉ करूंगी ये ले मार्कर यार ये तो वैसे यार हमने कैसा कर दिया ना हमने बहुत स्लो किया मुझे अंदाजा हुआ कि इसकी ट्रिक ये कि यही है ना हां तो पहले तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे थे मुझे नहीं अंदाजा था ना हां मुझे नहीं पता था कि ऐसे हो जाएगा मैंने रिपीट किया था इसीलिए हां ओके रेडी चल भाई स्टार्ट करें हां जी बहुत सिंपल होगा प्रेस द पेपर हार्ड या ओके आदि पकड़ना आदि पकड़ ठीक है जी हां आदि पैसों की तालियां बजाएगा गो ए जोर खामोशी अजीब सी लग रही है ऐसी जगह पर खामोशी हो गया हो गया क्या कर रहे क्या है पता नहीं बंद तो नहीं रहा तकरीबन हो गया तकरीबन गलत आई एम डन क्या बना लिया ये देखे भाई स्टार बना लिया ऑलमोस्ट वेरी नाइस आर्ट स्कूल में नहीं गई थी ना भाई ये देखे ये इतना बड़ा दिल होना चाहिए अभी में से दे रहे हैं आप अभी देता हूँ ये क्या सीन है बड़ा दिल है
चुरा लिए आप सारे रख लिए आपने वेरी गुड क्या हो गया यार वेरी गुड आओ आ जाए आओ आओ हाँ भाई ड्रैग हो रहा है ना हाँ ये भाई ये ले चले पेपर पेपर वो ले ली मैं बनाया ही ना लू जिंदगी में क्यों फैसल भाई ऐसे क्यों खड़े हुए व्हाइट बॉल दे रहे हैं ऐसे क्यों खड़े हुए आप चले चले भाई दबा के जरा ओके बाप रे ये क्या किया ये क्या है वैसे यहाँ तो डायग्राम बन चुका है कैंडल लग रही है वैसे भाई सही है सही चल रहे हैं आप लेकिन सही चल रहे हैं आप क्या करना है हाँ ये क्या है क्या है वैसे भाई क्या है क्या है वैसे बताऊँ हो गया हो गया दिखाएं मैं कंप्लीट कर रही थी हाँ वो कैंडल कंप्लीट कर रही थी जल रही थी कैंडल ये यहाँ पर क्या है सही चल रहे हैं भाई यहाँ पे ये बना रहा है यार आपने तो कमाल कर रही है कमाल कर दिया आप लोगों ने भाई कैंडल तो मतलब कैंडल भी बना लिया आपने दिखाइएगा जरा ये देखिए भाई यहाँ पे ये देखिए मेरे ख्याल से अब गेम समझ आ गया सबको हाँ तो अब खत्म कर देते हैं अपने कार्ड के पैसे दिए मुझे टैलेंट ये चले भाई वेल डन हाँ जी चौथी टीम की बारी चौथी हाँ चौथी टीम भी तो है आई आइए जल्दी आई जल्दी आइए लेकिन ये बड़ा कमाल बना सूरज यार ये मुझे लगता है समझ आ गई थी बीच में कि क्या बना रहा हूँ हाँ चले भाई मुझे एहसास हुआ के 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 कुछ ऐसे यूं हुआ है यूं चले चले भाई देखिए बैटमैन बने हैं तितलियां तितलियां ओ बटरफ्लाईज कोई बात नहीं लव अरे हाँ बन गया इसने बना लिया और उन्होंने आधा बनाया ये देखें इन्होंने बनाया चांद और उनका चांद आधा है नहीं भाई नहीं भाई ये टीम फ्लॉप हो गई ऐसे ने हॉकी बनाई है हां ऐसे हॉकी बनाई है चलें जी कोई बात नहीं तो आदि भाई आप मुझे बताएं सबकी ईदी गेने जरा कौन जीता लाइन दिखाएं अपनी अपनी ईदी दिखाएं क्या मतलब हो गया नहीं नहीं हम बताना चाहेंगे कितनी हुई है बताना पड़ेगा भाई कौन जीता कौन नहीं जीता आप दादा बताओगे नहीं नहीं मैं ओपन में गिनूंगा ओपन में दिखाओ गिने गिने कैमरे में दिखाओ सबको 500 रुपए वाह आपको क्या मिला 150 फैसल ने मुझे 200 दिए थे आप बताएं हाँ मैंने यार मुझे 50 रुपए मिले यार से भाई 100 या ना 100 या ना 100 300 अरे कितने पैसे मिले आपको 800 900 1000 1100 रुपए डीनो और हमें भी तो फिर हाँ चले मिला ले कर लो 750 होंगे बोले फिर भी 1200 150 रुपए यूं पकड़ा दिए कहाँ घुमाए नहीं पकड़ा दी कह रहा हूँ 150 रुपए आपको दे दिए ना यार मेरा हो गया मैं नहीं 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 खोपड़ी पड़ी हुई है मुझे दे ही नहीं रहे पैसे ही नहीं दे रहे मुझे तो जी आप लोग की टीम हार गई है इस बार ऐसा ही है ऐसे ही है और आदि भाई आप देंगे सजा हारने वाली टीम को अच्छा सजा बहुत मैं अच्छी सी देता हूँ क्या हाँ बताइए आप लोग के लिए अच्छी सजा ये है कि आप हमें गाना सुनाएंगे दोनों चलें ये तो आसान सजा है हाँ अच्छी सजा है वैसे ही डीनो ने सुनाना था नहीं नहीं आपने भी सुनाना है सुनाना दोनों को सजा मिली दोनों हारे मुझे मैं सुनाऊंगी गाना हां सुनाएंगे पहले आप सुनाएंगी फिर डीनो माइक दे भाई आयशा मुझे लिरिक्स याद ही नहीं होते मुझे डायलॉग भी याद नहीं होता तो गाना तो बहुत बड़ी बात है मुझे याद आपको जितना जितना याद आ रहा है ना जो जो सुना दे अच्छा कौन सा कौन सा कौन सा कोई सा पहले डीनो पहले डीनो याद तो कर लूं ना पहले डीनो हां हम आपका ब्रेक के बाद सुनेंगे जी डीनो क्योंकि हमारा बड़ा पसंदीदा बैंड स्ट्रिंग्स उन्होंने अनाउंस किया कि वो अब साथ नहीं है और एंड वी लव फैसल भाई और बिलाल भाई को मैं बहुत सारा प्यार बहुत सारी दुआएं देना चाहूंगा आई लव देम बिलाल मकसूद एंड फैसल कबार वी ऑल लव देम एब्सोल्युटली एंड आई वांट टू सिंग अ स्ट्रिंग सॉन्ग फॉर अस बिल्कुल प्लीज मैं तो देखूंगा नहीं सर किए ये पहाड़
सपने दे दो मुझे, ऐसा क्या है इतने क्यों अच्छे लगते हो मुझे, तुम ही जीवन की आरज़ू, तुम ही जीवन की आरज़ू, ना कहो ना सुनो खामोशी जबरदस्त आयशा, वेल डन आयशा, दो तीन तो कमाल, क्या याद दिलवा दिया तुमने, आरो आरो जी जबरदस्त। वैसे भाई अभी मैं एक हरकत करूंगा जिससे शायद आपको बहुत गुस्सा आए ना। हाँ ओके, आप सोचे क्या हो सकती है वो हरकत, तुम्हारी कोई भी हरकत हो सकती है। मैं आयशा को गाना गाने पे ₹1000 दूंगा। ओए ओए ₹1000 1000 200 300 400 500 600 700 लेकिन आप लोग अपने मजीद पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल होगा कुछ ये कि तीन वर्ड्स मैं इन लोगों को दूंगा, तीन वर्ड्स ये आपको देंगे, उससे आप लोगों ने गाना गाना है, पाकिस्तानी होना जरूरी है। ओके ठीक है, और क्योंकि इनकी वोकैबुलरी है तो मुझे पता है इनकी वोकैबुलरी भी। और आप ये बताएं कि जो आप तीनों टीम है जो गा रहा होगा वो गाएगा, बाकी दो साथ में परफॉर्म करेंगे तो पैसे नहीं होगी, तो पैसे नहीं मिलेंगे। सही है, ठीक है जी। तो पहला वर्ड है जी आंगन। आंगन जी, और टाइम कम है आपके पास, गाने में आंगन कहीं आना चाहिए। फाइव नहीं आना चाहिए, नहीं कहीं ना कहीं आना चाहिए। एक सेकंड, प्रेशर बिल्ड होता है इस तरह। थ्री प्रेशर बिल्ड हो रहा है। आंगन नहीं सोच, आंगन कहीं गाने में इस्तेमाल कर लें। वन, एक सेकंड थोड़ा हिंट दे दो प्लीज। दूसरा वर्ड दो ना, हो गया, कोई दूसरा वर्ड दे दो। सॉरी, पायल। पायल ओके, ये क्या नहीं ये क्या, पायल बजानी नहीं सुनाना है पायल। ओके फाइव फोर थ्री, तेरी बिंदियां जल चमके, तेरी पायल जल बोले, सुंदर माथे की ये बिंदियां जब बोले, सब कर करे तेरी प्यारी मेरा प्यार कहलाए, शहजाद रॉय तेरा कंगना जब था। बहुत ही दूसरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया। नहीं 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 मेरे मुंह नहीं लगना है क्योंकि बहुत नॉन सीरियस गाया आपने, इसलिए आपको 50 मिलेगा यार। ये ना करो यार, तो मेरे ना कोई दुश्मनी है यार, क्या आपकी तालियां कम दी थी, आपको भी 50। आयशा आप क्योंकि इन दोनों के साथ बैठी थी, 50 यार। सॉरी, सीरियस ना, इस टीम के लिए वर्ड है दीवाना। कम ऑन यार, इतना आसान हो जाऊंगा दीवाना, यूं देखो तो नहीं बल्कि ना यूं झुकाओ, शर्माओ तो नहीं, तेरी ये शोहदाएं क्यों मुझे तपाए, क्यों मुझे हो जाऊंगा दीवाना। बनी भाई, बनी भाई बहुत आला, लेजेंडरी, क्योंकि आपने बहादुरी का मुजाहरा किया। किसका किसका बहादुरी का, सामने वाली टीम ने आपको लेट डाउन किया, आप ऊपर आए फिर भी आपको 150।
150 साढ़े पांच ही 100 लेकिन गलत है यार इनको बहुत सारे दीवाने दीवाने में 50 करोड़ गाने हो गए अच्छा भाई अपनी बारे में बोलना था ना पायल पे भी दो हैं चलो पायल पे भी गाने थे भाई अगला वर्ड जी अगला वर्ड तुम दे तुम दो वर्ड टाइम कम होगा क्यों है अगला वर्ड है पंजाबन नाच पंजाबन नाच पंजाबन एक टका नहीं दूंगा आपको नहीं नहीं मैं आपको वर्ड देता हूँ आंखें बोलने से थोड़ी आंखें 5 4 3 यार आंखों को आंखों से जो सपना देख आंखें 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 अलग है आंखों अलग भाई मैं कहता हूँ आप कम ऑन यार आंखें 5 आंखें मिलाने वाले मुझको चुराने वाले मुझको चुराना नहीं सही है जीवन में आने वाले जीवन से जाने वाले मुझको बुलाना नहीं मैं जवान मैं हसी मेरे पास क्या नहीं हो 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 आंखें मिलाने वाले दिल को यार गाना शुरू ही आंखों से हो रहा था अच्छा जी आपकी बारी भाई बेटा मैंने उठाया था ना सर मैं ये कहने वाला था कि आपने उनकी बारी में भी गाया नहीं लेकिन उन्होंने क्यों हमारी बारी में गाए ये पॉइंट 5 पॉइंट हो गए थे ना क्योंकि आप लोगों से नहीं गाया जा रहा था हमारी हेल्प की वो हमारी टीम में आगे बोला था इशारा किया था उन्होंने जान उन्होंने ये किया आंखें ईद है ना ईद है मिल बांट के बड़ा बड़ा मजारा करते हुए 50 अच्छा जी वैसे आपकी आपकी बारी है मैने हेल्प की थी और वर्ड है और हमारी बारी महबूबा हमारी बारी का आ गया मैंने देखी मेरी महबूबा दूरियां ये दूरियां महबूबा महबूबा ले ले दिल ओ महबूबा ले ले जा ओ महबूबा यहाँ ओ महबूबा 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 ले ले दिल वाह भाई वाह बहुत अच्छा आपने गाया बादरी मेरे से आई टू आई कॉन्टेक्ट भी किया वाह इस पे मैं आपको दूंगा देख रहे कितने पैसे मिल रहे हैं भाई अभी कैलकुलेशन हो रही है कितने देने चाहिए मैं आपको दूंगा 250 मेरा हो गया मैं निकलूं तो वही पड़ी हुई है अभी मेरा हो गया मैं निकलूं अच्छा भाई आपकी बारी सागर आंखों के सागर आंखों के सागर वाह 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 होठों के सागर ना 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 ले डूबे हमें ले डूबे हमें आंखों के जब दिल मिले तो मंजिल मिले आंखों के सागर होठों के सागर वाह भाई वाह 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 अच्छा गाते हो आप सिंगिंग में ट्राई करो पैसे बढ़ाओ आप तो औकात में रहो आपने तो गाया ही आपने तो गाया ही नहीं है ना तो मैडम ने गेस किया आपको 100 थैंक यू आप मुझे 50 उनको एक लाइन गाय भी थी आदि एक लाइन गाय भी थी भाई वैसे 75 बनता है 25 उसके ऐड आप जब मेरे शो पे आते थे आपको पूरे पैसे मिलते थे थैंक यू 50 के क्या चलाने वाली है क्या चला गई मेरी 50 रुपए क्या चला गई अब मैं दूंगा वर्ड ओहो क्या अब जैसा जो एक मिनट गिन तो लू बच्चे कितने सारे उसको जाएंगे जो गेस अब जो है ना वो है 300 रुपए के लिए हाँ अब दो रह गए बस एक मैं बोलूंगा जिसने गा दिया पहले अच्छा टाइम ब्रेकर टाइप हाँ ओके
300 दूंगा। ठीक है, दो मिनट रह गए। सीरियस कितने? ठीक है, 50-50 के पीछे क्या हो रहा है? चले भाई, रेडी रहेगा? फिर नहीं बोलेगा हमने सुना नहीं। असां असां ते जाने बिलो दे कर, किन किन जाने बिलो दे कर, असां ते जाने बिलो दे कर, किन किन जाने बिलो दे कर, टिकट कटाओ लैंड बनाओ, टिकट कटाओ, टिकट कटाओ लैंड बनाओ, टिकट कटाओ नाल लैंड बनाओ, टिकट कटाओ लैंड बनाओ, लैंड बनाओ, किन आखिरी वर्ड वर्ड बोलूंगा मैं। हाँ, और जिसने गेस किया हाँ उसको मिलेगा 100 नहीं, 150 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 550 रुपए। 550 माइक खोल मेरा। और हाँ भाई, ये बता दूं, वर्ड मुश्किल नहीं है, वर्ड आसान है, आपने बस पकड़ना वक्त पे है। ठीक है, आर यू गाइस रेडी? आवाज नहीं आ रही, आर यू गाइस रेडी? ओके, वर्ड है इश्क। अरे इश्क हो गया जदों दा एक बार, सारी रात सोचा च लंघ जावे, नन मन नन नन एक बार, सारी रात सोचा च लंघ जावे, सजना आ जावे आ जावे आ जावे छेती आ जा। यार कमाल कर दिया यार, वेल डन यार, बहुत अच्छे यार, बच्चे बहुत खुश होंगे, बाप ने एक बार फिर नाम यार मैं लिख लूं यार। भाई बैठ जाए यार, बैठ जाए भाई, हमारा एक ब्रेक बाकी थी, ब्रेक में जाइए, ब्रेक से वापस आइए, आप देख रहे हैं मजेदार ईद पे आती है परेशान। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं मजेदार ईद विद आदि एंड फैजान, और वक्त हुआ जी तमाम गेस्ट से रुख्सत लेने का। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, ईद वाले दिन आपको टाइम निकाल कर आए। अगर आप लोगों का कोई अपना अपना मैसेज है तो प्लीज जल्दी जल्दी दे दीजिए। फैसल भाई आपसे शुरू करते हैं। मुझसे क्या शुरू करना है भाई, इतने लोग मैसेजेस देते हैं। हाँ, अल्लाह करे बस उन्हीं मैसेजेस पे अमल कर लें जो लोगों ने आप लोगों को पहले से दिए हैं। बिल्कुल, और ईद दूसरों के साथ मनाएं, एंजॉय करें, और क्या, और ख्याल करें, खास तौर से अगर वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं तो करवा लें भाई, लोगों की फजूल बातों में मत आएं। दुनिया वैक्सीनेशन करवा रही है, वैक्सीनेटेड हो रहे हैं सारे ताकि मास्क उतरें। लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बाद क्या मास्क उतर जाएंगे? वुहान में देखिए मास्क उतर गए हमें, और बहुत सारी जगहों पर ये एक सिलसिला शुरू हो गया ज़िंदगी का, तो हमें वापसी करनी है लाइफ की तरफ। बहुत सारे लोग बेचारे बहुत परेशान हैं, बहुत सारे काम रुके हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी नॉर्मल रूटीन पे आए तो वैक्सीनेशन की तरफ जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल जी भाभी, मैं भी फैसल की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि नहीं जानू अपनी बात हाँ थोड़ा ऐड कर देती हूँ मैं। क्योंकि उसकी वजह से एज अ मदर जो हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, ऑनलाइन स्कूल जो आई थिंक बच्चों को उन्होंने आधा तो वापस पीछे कर दिया है, सो आई थिंक वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मैसेज भी यही है, करवाएं और जान छुड़ाएं मास्क से, बैक टू नॉर्मल लाइफ में आएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं इससे, और हो गई हैं, बहुत सारे लोगों को इफेक्ट हुआ है। तो आई थिंक यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, करंटली आई थिंक यही मैसेज सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर अमल करें वापस। ठीक है जी सर, यू नो इसकी वजह से बहुत सारे लोग के पास रोज़ी नहीं है, बहुत सारे लोग जो पहले रोज़गार थे जिनके पास रोज़ी का सिलसिला था वो नहीं है, और हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हैं कि हम नहीं जानते कि हमारे साथ वाले घर में क्या चल रहा है। तो मेरे ख्याल से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने नेबर्स का ख्याल रखें, अपने उन रिश्तेदारों का ख्याल रखें जिनके पास शायद उतना नहीं है जितना हमारे पास है। सो आई थिंक थोड़ा सा दिल बड़ा करें, और आई नो इसकी वजह से हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अपने रिश्तेदारों से रابطہ करने से पहले ज़माने में हम लोग करते थे, मिलते थे, अब मोबाइल फ़ोन आए हैं, सो दूसरों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें प्लीज़। बिल्कुल, जब कार रोजी नहीं है तो ये यूं हो गया कि हाँ। फिर उसने कार मतलब रोजी रोजी खाने वाली। हाँ जी,
ऑब्वियसली जो बातें फैसल भाई ने, भाभी ने और जो सन ने कही वो सारी चीज़ों से मैं एग्री करता हूँ। और ख़ास तौर से वैक्सीनेशन की बात पे तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि जो मार्केट में फैलाई हुई लोगों ने बातें कि आप अगर आप वैक्सीन लगा लेंगे आपको ये हो जाएगा, वैक्सीन ब्लड थिक हो जाएगा, मतलब अजीब अजीब बच्चे पैदा नहीं होंगे अजीब अजीब आपके अंदर चिप डाल दी जाएगी, हाँ वो आपको जान के मार रहे हैं। ये जो अफवाहें फैली हुई मार्केट में, ये सब बेवकूफाना बातें, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद जाके रिसर्च कर लें, गूगल दुनिया के हर किसी के फ़ोन में है, आप जाके गूगल कर लें, आपको सब समझ आ जाएगा। दुनिया आगे बढ़ रही है, हम लोग पीछे जा रहे हैं क्योंकि हम लोग उन चीज़ों में अमल नहीं कर रहे जो बाकी दुनिया कर रही है। मास्क पहने खुदा के वास्ते, जो लोग दूसरे मतलब पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे, सीरियस नहीं ले रहे, पैंडमिक की वजह से चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। अभी हम लोग इतनी अच्छी सिचुएशन में थे, अब हम दोबारा बुरी सिचुएशन में आ गए हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, प्लीज़ प्लीज़ अपना ख्याल रखें ताकि आप दूसरों का ख्याल रख सकें, वरना फिर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा शो और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। जाने से पहले हम हारून और उनके ग्रुप को एक दफ़ा फिर दावत देंगे जो आके एक जबरदस्त परफॉर्मेंस में दिखाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यू आर वॉचिंग मजेदार ईद विद आदि एंड फैजान।